हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द पूजास किचन। आज मैं आपके लिए शेजवान नूडल्स बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनेंगे और ये आपको बहुत ही पसंद आएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी रेसिपी जब भी आ रही है आपको पता लग सके। तो चलिए शेजवान नूडल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ दो प्लेन नूडल्स लिए हैं। देखिए ये इस तरह के होते हैं, यह आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसे हम बॉईल करेंगे। इसके लिए हमने एक कढ़ाई में पानी लिया है जिसे हम बॉईल करेंगे। पानी हमारा बॉईल हो गया है, अब इसके अंदर हम आधी चम्मच नमक डालेंगे और नूडल्स को डालेंगे। कुछ इस तरह से हमें इसे प्रेस करना है, हमें इसे तोड़ना नहीं है, बस हल्का सा हम इसे प्रेस करते जाएंगे ताकि ये पानी में अच्छी तरह डिप हो जाए और अच्छी तरह से बॉईल हो सके। हम यहाँ पर मीडियम फ्लेम ही रखेंगे। ये अब अच्छी तरह से बॉईल होने लगे हैं, देखिए ये इस तरह से अलग अलग हो गए हैं। इसे हमें पूरा कम्प्लीटली बॉईल नहीं करना है, हमें इसे आधा ही बॉईल करना है। अगर इसे हम ज़्यादा बॉईल कर देंगे तो यह स्टिकी हो जाएंगे और बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। बॉईल होने के बाद कुछ इस तरह से नूडल्स दिखेंगे, बस इतना ही हमें इसे बॉईल करना है, इसे ज़्यादा हमें नहीं करना है। इसकी निशानी यह है कि जैसे हम इसमें स्पैचुला डाल रहे हैं तो देखिए हल्के हल्के अलग दिखने लगे हैं, बस इस टाइम तक हमें इसे पकाना है। यदि हम इसे ज़्यादा बॉईल कर देंगे तो यह पूरे एक साथ स्टिकी हो जाएंगे और एक दूसरे से चिपक जाएंगे और एकदम टूटने लगेंगे। अब इसे हम छान लेंगे। इसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे जिससे कि यह जल्दी ठंडे हो जाए। अब इसे हम एक प्लेट में पूरी तरह से फैला लेंगे और इसमें एक चम्मच ऑयल डालेंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे ताकि यह स्टिकी ना हो और यह अलग अलग से दिखे। और हमारे नूडल्स रेडी हैं। कुछ इस तरह से हमें इसे फैलाकर अच्छी तरह से रखना है। अब नेक्स्ट प्रोसेस में हम नूडल्स के लिए मसाला रेडी करेंगे। इसके लिए हम एक कढ़ाई में 5 चम्मच ऑयल लेंगे और उसे मीडियम फ्लेम पर गर्म करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसके अंदर हम 6 से 7 बारीक कटी हुई लहसुन डालेंगे और इसे हल्का फ्राई करेंगे। इसे हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच किसा हुआ अदरक डालेंगे और उसे भी हल्का फ्राई कर लेंगे। इन्हें हमें इसलिए ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि नूडल्स में हमारे इसका क्रंची टेस्ट आना चाहिए। ज़्यादा हम फ्राई कर देंगे तो वह अच्छा नहीं लगेगा। अदरक भी फ्राई हो गया है। अब नेक्स्ट हमने एक प्याज लिया है जिसे लेयर्स में कट किया हुआ है। 1/4 कप पत्ता गोभी लिए जिसे हमने लेयर्स में कट किया हुआ है। 1/4 कप शिमला मिर्च लिए जिसे हमने लेयर्स में कट किया हुआ है। 1/4 कप गाजर ली है जिसे भी हमने लंबे लंबे साइजेस में कट किया हुआ है और 1/4 कप से थोड़ा कम बीन्स ली है जिसे मैंने इस तरह से कट किया हुआ है। अब सबसे पहले हम इसके अंदर प्याज डालेंगे और उसे हल्का फ्राई कर लेंगे। इसे हमें ज़्यादा लाल होने तक फ्राई नहीं करना है। नूडल्स बनाते समय हमें कोई भी वेजिटेबल्स को ओवर कुक नहीं करना है क्योंकि इसमें सारी वेजिटेबल्स का एक क्रंची टेस्ट आता है जो कि बहुत अच्छा लगता है, तो आप यह ध्यान रखें। ये देखिए प्याज हमारे हल्के फ्राई हो गए हैं, अब इसके अंदर हम बीन्स डालेंगे। क्योंकि बीन्स को थोड़ा पकने में टाइम लगता है इसलिए हम इसे पहले डाल देंगे। बीन्स भी हमारी हल्की फ्राई हो गई है, अब इसके अंदर हम गाजर डालेंगे, उसे भी हम हल्का फ्राई कर लेंगे। गाजर को भी हमने हल्का शैलो फ्राई कर लिया है, अब इसके अंदर हम पत्ता गोभी डालेंगे और साथ में शिमला मिर्ची भी डाल देंगे। यहाँ आप वेजिटेबल्स को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं, जैसा आप पसंद करते हैं, और उन्हें कुछ देर चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारी सारी वेजिटेबल्स फ्राई हो गई है, देखिए कुछ इस तरह से ही लगनी चाहिए, सभी अलग अलग दिखे। और इसके अंदर हम शेजवान चटनी डालेंगे।
यह चटनी मैंने घर पर बनाई है। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां जाकर इस रेसिपी को देख सकते हैं। तो यहाँ हमने 3 चम्मच शेजवान चटनी डाली है। इसे हम अच्छी तरह से वेजिटेबल्स में मिक्स कर देंगे। जैसा कि यह शेजवान नूडल्स है, इसीलिए इसका मेन पार्ट तो शेजवान चटनी ही है। तो यदि आप 4 चम्मच शेजवान चटनी डालना चाहते हैं, तो आप वैसा भी डाल सकते हैं। शेजवान चटनी को हमने अच्छी तरह से वेजिटेबल्स में मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम हमारे तैयार नूडल्स को डालेंगे। इसे हम कुछ इस तरह से फैलाते हुए थोड़ा थोड़ा डालेंगे। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यह थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट होता है, लेकिन आप इसे अच्छी तरह से प्रेस करते हुए मिक्स करें तो ये बढ़िया से मिक्स हो जाएंगे। यदि हम इसे अच्छी तरह मिक्स नहीं करेंगे तो कहीं और अलग फ्लेवर आएगा और कहीं पार्ट में अलग फ्लेवर आएगा, इसीलिए आप इसे बढ़िया तरीके से मिक्स करें। और देखिए हमारा नूडल्स का कलर कितना बढ़िया आया है, यह देखने में कितने यम्मी लग रहे हैं। और देखिए हमने नूडल्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और शेजवान नूडल्स बनकर तैयार है। अब इसे हम एक सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। ये देखिए ये कितने यम्मी और डिलीशियस लग रहे हैं। और हमारे गर्मा गर्म शेजवान नूडल्स खाने के लिए एकदम तैयार है। यह आपको बिल्कुल मार्केट स्टाइल लगेंगे। आप यदि इसे एक बार घर में बना लेंगे तो आप मार्केट के खाना भूल जाएंगे। आप इन नूडल्स को बनाकर जरूर ट्राई करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।